नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में और आपको आईपीएल 2019 और मुंबई इंडियंस से जुड़ी हुई वो बातें बताएंगे जो हर एक मुंबई फैंस को जानना चाहिए। इस वीडियो में जानिए एमआई किन प्लेयर्स को करेगी रिलीज और किन को करेगी रिटेन, आईपीएल 2019 के ऑक्शन हॉल में एमआई के मालिक किन प्लेयर्स पर करेंगे टारगेट, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2019 का खिताब जीतने के लिए किन प्लेयर्स की होगी जरूरत। सबसे पहले हम बात करते हैं एमआई के रिलीज प्लेयर की लिस्ट की, तो एमआई इन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है। सबसे पहले जो बड़ा नाम आता है वो है जेपी डुरमनी का, फिर आता है पैट कमिंस का, फिर आता है सौरभ तिवारी, प्रदीप सांगवान, राहुल चहर, टीएन ढिलोन, शरद लुम्बा, सिद्धेश लाड और अनुकूल रॉय का। इनके अलावा जो भी प्लेयर्स होंगे वो रिटेन किए जाएंगे, लेकिन दो प्लेयर्स जैसे कि बैन कटिंग और कायरन पोलार्ड हो सकता है कि उनको रिलीज़ कर दे। अगर उनको रिलीज़ किया तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा, लेकिन उनके पास्ट फॉर्म्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो रिलीज़ किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिसको मुंबई इंडियंस आईपीएल 2019 में टारगेट करेगी और उनको टीम में लेने की कोशिश करेगी। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है केदार जाधव का। केदार जाधव एक बहुत ही अच्छे फिनिशर है, उनको टीम में लेने का मेन कारण यही है कि उनके जो पास जो 2018 में जो फिनिशर थे जैसे कुणाल पांड्या, उनके बाद हार्दिक पांड्या, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके वजह से टीम लास्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। इसके वजह से मुझे लगता है वो केदार जाधव के पीछे जा सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि वो एक बहुत अच्छे स्पिनर भी है और उनके साइपल 2018 में स्पिनर्स अनएक्सपीरियंस थे, तो वो उनको ले सकते हैं टीम में। इसी के साथ साथ वो करण शर्मा और एडम जैम्पा के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। इसी के साथ वो बैकअप ओपनर्स के साथ भी जा सकते हैं। आईपीएल 2018 में उनके पास दो फिक्स्ड ओपनर थे, उनके अलावा उनके पास कोई बैकअप ओपनर ही नहीं था। आईपीएल 2019 में विंडीज़ के दोनों ओपनर्स ड्वेन स्मिथ और लैंडन सिमल्स को टारगेट करेंगे, कोशिश करेंगे उनको टीम में ले लें ताकि उनकी जो बैटिंग है वो बहुत भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, उनकी जो बैंक स्ट्रेंथ है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। एमआई को आईपीएल 2018 में फॉरेन ओपनर एक एक्सपीरियंस स्पिन बॉलर के साथ एक अच्छा फिनिशर की कमी खली थी, तो इस बार वो कोशिश करेंगे कि आईपीएल 2019 के ऑक्शन में उन प्लेयर्स को खरीदे ताकि उनके जो वीक पॉइंट्स है वो सही हो जाए और वो आईपीएल 2019 का खिताब जीत सके। मेरे हिसाब से आईपीएल 2019 में जो है मुंबई इंडियंस की जो स्ट्रेटेजी होगी वो यही होगी कि वो अपने बॉलिंग अटैक को और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले और जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसको भी स्ट्रॉन्ग करे ताकि अच्छा फिनिश हो पाए, ताकि ना कि बैटिंग पर बॉलिंग में भी अच्छा फिनिश कर पाए और वो खिताब को जीत पाए। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।